नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह राजपूत। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बर्तनों पर नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये मशीन है जो बाजारों में भी आपको मिल सकती है, और मैं इसी की सहायता से बर्तनों पर नाम लिखूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये तार विद मशीन आएगी। तार है, इसकी पिन जुड़ी हुई है, और पहले स्विच चालू कर देते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ एक पेन की तरह ही नोक आएगी, और ये इसका मशीन है जिसे रोटेट किया जाता है। ये स्पीड मोशन कहते हैं। आपको स्पीड बटनों पर नाम लिखने के लिए ज्यादा रखनी है। ठीक है, और ये इसका स्विच है ऑन ऑफ का, देख सकते हो आप, ये ऑन ऑफ था। और ये पेन की नॉब की तरह है, आपको इस तरह पकड़नी है जैसे आप पेन पकड़ते हो लिखने के लिए। ठीक है, ये नॉब है और इसको आपको टाइट रखना है। अक्सर कई बार क्या हो जाता है कि ये ढीला होता है, जिसकी वजह से नाम नहीं लिखे जाते और आप कहते हैं मशीन खराब होगी, बट इसे ढीला कहते हैं। ओके, सो इस पहले तो हम टाइट कर देते हैं, और सो अभी हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको कोई वेस्ट, कोई थाली वगैरह उस पर नाम लिखना। ओके, तो हमने लिए प्लेट, देख सकते हो आप, और अभी हमने स्विच ऑन किया। देख लो कितना नाम स्पष्ट रूप से हमें दिख भी रहा है, युवराज सिंह राजपूत। देखो कितना स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि कोई भी हमारे घर में वेस्ट चीज हो उसके ऊपर हमें लिख के देखना है। और इसमें मेन बात ये है कि आपको पकड़ने की टेक्निक होनी चाहिए। आप टाइट पकड़िए, मशीन जरूर हिलेगा लेकिन आपको डरना नहीं है। जैसे कई लोग क्या होता है, ऐसे बहुत ज्यादा मोटर बजती है तो यहाँ से डरते हैं कहीं चूक ना जाए हमारे से, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपको देखो जैसे दूसरे स्टार है ना, आपको ये नॉक है, इसको पूरे भाग को नॉक कहेंगे। ठीक है, और इसकी जो ये दूसरा भाग है जहाँ से मशीन चलोगे, यहाँ से आपको पकड़ना है। देख सकते हो सेम जैसे आप लिखते हो पेन की तरह ही से पकड़ना है। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से ये नाम आया है। दोस्तों, हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।